38 साइज में कॉलर वाले नाइट सूट की कटिंग करने का बहुत ही इजी तरीका आपके साथ में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह का नाइट सूट बनाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, आपको मैं एक एक टिप्स बताऊंगी हर स्टेप के साथ। तो ये वीडियो के देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से कॉलर वाले नाइट सूट की कटिंग कर सकते हैं और इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं आपको बाद में अपलोड करके बताऊंगी। हैं इसे बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, ये मेरे पास रियोन का फैब्रिक है 3 मीटर। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें टॉप पार्ट की कटिंग, फिर हम इसमें पैंट की कटिंग करेंगे। देखिए, टॉप की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बिछाया हुआ है। हम कपड़े की लंबाई और चौड़ाई चेक करेंगे, तो जो खुली साइड है उसे मैंने अपनी तरफ रखा है। तो जो कपड़े की चौड़ाई है वो 12.5 इंच है, ये मैं 34 साइज के लिए बना रही हूँ। और जो कपड़े की लंबाई है वो 28 इंच है, इसमें हमने सिलाई मार्जिन रखते हुए टोटल हमने 28 इंच रखा है। तो इसकी कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले जो हमने खुली साइड रखी है उस तरफ हमें 1.5 से 1.75 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे मैं 1.75 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। तो हमें ऊपर भी 1.75 इंच पे निशान लगाना है और नीचे की साइड भी 1.75 इंच पे निशान लगा के हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेना है। तो अब जो हम मार्किंग करेंगे इस लाइन के बाहर हम मार्किंग करेंगे, तो ये जो हमारी लाइन होती है हमारी मार्किंग से एक्स्ट्रा होती है। अब इसमें देखिए हम कॉलर वाला नेक बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क किया है और नीचे से 7.5 इंच पे मार्क किया करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे आर्म होल में जो होलाता है वो नहीं आएगा अगर आप इस तरह से मार्किंग करेंगे। और ऊपर की साइड से 1.25 इंच पे हमें शोल्डर को डाउन करना है यहाँ से, और 3 इंच पे हम इसका नेक बनाएंगे। तो जो हमने लाइन बनाई है उससे आगे की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे, और जो हमारा शोल्डर हमने डाउन किया है उसे हम नेक लाइन से मिला देंगे। तो जब भी आप नेक की कटिंग करते हैं, कॉलर वाला नेक हम बनाते हैं, तो जब हम शोल्डर को इस तरह से डाउन करेंगे तो हमारा ही शोल्डर में खिंचाव नहीं आएगा और जो हमारा नेक है वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। अब देखिए, जो हम इसमें आर्म होल रखेंगे तो मैं इसमें आर्म होल की लेंथ 7 इंच रखूंगी। तो जब भी हम नाइट सूट बनाते हैं तो जो हमारा साइज होता है सूट का उसे हम 1 इंच लूज बनाते हैं नाइट सूट। तो इस तरह से 7 इंच पे मार्क करके इस निशान को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। जिस साइज में भी आप बनाते हैं जो चेस्ट साइज है उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्किंग कर लेंगे। हमें नाइट सूट 1 इंच लूज ही बनाना होता है सूट से, और इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आप किसी भी साइज में नाइट सूट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बस हमें शोल्डर साइज के अकॉर्डिंग रखना है। अब हम इसमें फिटिंग के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो जो मैं इसमें वेस्ट की जो फिटिंग लगाऊंगी वो मैं 15 इंच पे लगाऊंगी, तो ऊपर से हमें 15 इंच पे मार्क करना है। 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो हमारा 14.5 इंच बचेगा, और नीचे की तरफ हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो इस तरह से हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी वेस्ट है उस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी वेस्ट है उसमें हम 1 इंच प्लस करके वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, और हिप के लिए भी हमें 1 से 1.5 इंच लूजिंग रखते हुए मार्किंग करनी है। तो आप इस तरह से इसकी फिटिंग के लिए मार्क लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से करना। तो इस तरह से हमें मार्किंग करके फिटिंग के लिए निशान लगा लेना है। आप किसी भी साइज में इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से नाइट सूट बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी फिटिंग लगा लेनी है, और आगे की तरफ हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई। अब देखिए, जो हम इसमें नेक बनाएंगे तो नेक की जो लंबाई है वो मैं 1.75 इंच रखूंगी, और 3 इंच हमने नेक की चौड़ाई रखी थी। तो इस तरह से बॉक्स बना के इसमें हम राउंड नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट जो पार्ट है उसकी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके नेक की कटिंग हम बैक पार्ट कटिंग करने के बाद करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है। तो जो हमारा बैक पार्ट है फ्रंट पार्ट से हम 1.5 इंच कम करके बिछाएंगे, जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट पार्ट को। तो जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की साइड, और जो बैक पार्ट हम कटिंग करेंगे इस तरह से करेंगे। तो जो हमने कपड़ा फोल्ड करा है उसे हम एकदम बैक पार्ट के बराबर रखना है। और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा ऊपर से शोल्डर है हमें फ्रंट पार्ट से 1.25 इंच शोल्डर को एक्स्ट्रा रखना है इस तरह से। तो 1.25 इंच हमें शोल्डर एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे हमें 3 इंच पे नेक के लिए निशान लगाना है और शोल्डर को इस तरह से डाउन रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो जैसे हमने फ्रंट में शोल्डर डाउन किया था वैसे ही हमें बैक में शोल्डर को डाउन करते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है। और बैक आर्म होल के लिए हम इस तरह से एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे जैसे हम सूट में करते हैं।
तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। तो हमें बैक पार्ट में बस इतना ही करना है, और जो हमारा नेक है हम बैक पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे, क्योंकि जो हमने बैक पार्ट है वो हमने 1.25 इंच बड़ा रखा है। तो अगर आप नेक की कटिंग नहीं करेंगे तो जो नेक है वो ऊपर से झोल आएगा उसमें। तो यहाँ पे 1 इंच पे नेक की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग मैं स्टिचिंग करते टाइम करूंगी, और ये जो नेक हमने मार्किंग करा है इसे हम आगे तक इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हमें जो नेक में अंदर की तरफ जो हम पट्टी लगाएंगे उसकी हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें 5 से 6 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कपड़ा लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है आप नेक के अकॉर्डिंग रखें। 3 इंच हमने नेक कटिंग करा था और 1.5 इंच हमारा आगे की तरफ पट्टी एक्स्ट्रा थी। तो जो हमें टोटल कपड़ा लेना है 5 से 6 इंच लेना है। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे और इसके ऊपर हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो जो हमने नीचे की साइड पट्टी लगानी है उस पर भी नेक की कटिंग कर लें। अब हमने यहाँ पे नेक की कटिंग कर ली। अब देखिए हम इसमें इस तरह से शेप लगाएंगे। तो ऊपर से हमें इस तरह से नेक के हमें एक्स्ट्रा ही रखना है ऊपर से, और नीचे से हम कम करते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये हमारी अंदर की साइड जाएगी। तो इस तरह से हमारी इस पट्टी को हमें कटिंग कर लेना है। तो ये पट्टी आपको एकदम कपड़े जो हम जिसमें भी हम नाइट सूट बनाते हैं उसके एकदम उसी कपड़े की कटिंग करनी है। अगर आप दूसरी करेंगे तो जो हमारा कॉलर है वो ऊपर की तरफ फोल्ड होता है, तो अगर आप दूसरा कपड़ा लगाएंगे तो वो गंदा लगेगा, इसलिए सेम कपड़े की पट्टी कटिंग करें। और यहाँ पे जो हमने मार्किंग करी थी वहां पे कट लगा लेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो जो हमने कट लगाया है तो इस पट्टी को हम रखते हुए कट से हम अंदर की साइड ही सिलाई लगाएंगे। तो इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और जो सिलाई लगाएंगे वो कट से अंदर की साइड इस तरह से लगाएंगे। तो इससे जो हमारा कॉलर है नीचे वाला वो बनेगा। तो इस तरह से हमारा जो टॉप पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम फुल स्लीव वाला बनाएंगे। तो इसमें जो मैं स्लीव की लंबाई रखी है वो मैंने 20 इंच रखी है। बनने के बाद हमारी स्लीव 18 इंच बनेगी। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग 7 इंच पे करी थी। ऊपर से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पे, और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पे 8 इंच हमें लेना है। आर्म होल से 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है। तो जितना भी आप आर्म होल कटिंग करते हैं उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं।